YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड, आज हम करेंगे 13 अगस्त के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, 8th एनिवर्सरी ऑफ जनधन योजना। जनधन योजना को 8 साल हो गए हैं और ये जनधन योजना शुरुआत की गई थी, इसकी अनाउंसमेंट हुई थी 15 अगस्त 2019 को, बट इसकी शुरुआत की गई फ्रॉम 2014 और इसकी शुरुआत की गई फ्रॉम 28 अगस्त 2014, और इसीलिए इसको कितने साल हो गए हैं, 8th एनिवर्सरी हो गई है। और इसीलिए क्योंकि ये हमारे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजमेंट स्कीम थी, फाइनेंशियल इंक्लूजमेंट का क्या मतलब होता है, हमारे इंडिया के आखिरी पर्सन को भी बैंक के साथ जोड़ना है और बैंक के साथ उसको अपग्रेड कराना है, अपग्रेड रखना है, इस स्कीम का मेन मोटिव था। और ये स्कीम चलाई गई थी टू मेक लास्ट पर्सन ऑफ इंडिया टू हैव अ अकाउंट इन अ बैंक, उस पर्सन का, लास्ट पर्सन का भी अकाउंट हो बैंक में, इस स्कीम का मेन मोटिव था। और जीरो बैलेंस पर ये अकाउंट खोले गए थे और 8th एनिवर्सरी हो गई है जनधन योजना को। और ये कौन है, ये हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर और निर्मला सीतारमण। खादी उत्सव हैज बीन सेलिब्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साबरमती आश्रम। खादी उत्सव की शुरुआत की गई है बाय प्राइम मिनिस्टर और कहां पर की गई है, साबरमती आश्रम में। और साबरमती आपको पता है कहाँ है, इन गुजरात। और साबरमती के साबरमती एक रिवर भी पड़ती है और इस रिवर के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो इस नदी के किनारे बसा हुआ है अहमदाबाद। और आपको पता होगा खादी ने हमारे इंडियन स्ट्रगल में बहुत पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए खादी उत्सव मनाया जा रहा है ऑन 75th इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। और खादी उत्सव सबसे ज्यादा योगदान पाया गया था स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट। लोसानी लीग 2022, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोसानी लीग 2022 कहाँ पर हुई है, आपको पता है लोसानी बहुत फेमस शहर है इन स्विट्जरलैंड और इसमें गोल्ड मेडल जीता गया है बाय नीरज चोपड़ा। और कितनी दूध भाला फेंकर, 89.08। और लोसानी में एक ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी। और स्विट्जरलैंड की राजधानी बॉन। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट हैज बीन रिगार्डेड एज इंडियाज फर्स्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बाय नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा इंडिया की पहली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, यानी एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट जिसको हमने कमजोर नहीं समझना और उसको हमने अपग्रेड करने की भावना रखनी है, हमें उसे अपग्रेड करना है। और हरिद्वार को अपग्रेड करने का सारी की सारी जिम्मेवारी ली है पीयूष गोयल ने, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है। और नीति आयोग की स्टैब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरमैन हमेशा कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। डेट्स वाई इसके यहाँ इस समय प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। मार्बल फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र आफ्टर 2 years ड्यू टू द कोविड पैंडमिक। तो वहाँ मार्बल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है महाराष्ट्र में, और नागपुर में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। महाराष्ट्र की बात करें तो लावणी डांस कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र का है। इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक मोन्यूमेंट हैज बीन कमीशन्ड इन गुजरात। आपको पता होगा हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा
भयंकर अर्थक्वेक आया था इन 2001 में, और उसी की याद में एक मेमोरियल इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, मोनूमेंट इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा जो लोग उसमें मारे गए थे, और कहाँ पर किया गया जाएगा, गुजरात में। तो याद रखना 2008 में ये अर्थक्वेक आया था। ब्रू रियांग ट्राइब हैज बीन न्यूज, ब्रू रियांग ट्राइब अभी चर्चा में है। एक्चुअली ये मिजोरम और त्रिपुरा की ट्राइब है। मिजोरम की ट्राइब है ब्रू और रियांग ट्राइब है त्रिपुरा की। रियांग ट्राइब अभी अभी कमीशन टू हुई है मिजोरम, उनके घर जला दिए गए थे ड्यू टू प्रोटेस्ट। और यहाँ कहाँ पर जाकर सेटल हुई है, मिजोरम, और किसके साथ, ब्रू। और उसी शरणार्थी कहाँ के हैं, वो अब मिजोरम के हैं। तो याद रखना त्रिपुरा की ट्राइब है ब्रू। कोनियाक ट्राइब कहाँ की है, तो ये नागालैंड की है। अपदानी ट्राइब कहाँ की है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश की। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।